मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपको ये इन्फॉर्म करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कल रात को यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को BSF के ट्रुप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई है। फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो BOP राजाताल के इलाके में हुआ, जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे, AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन थे, और दूसरे वाले के पास में एक मैग्नम राइफल 0.223 बोर, एक मैगजीन और 29 राउंड से। ये हमारा जवान जो ड्यूटी पे था उस समय पूरा कोहरा था काफ़ी और विजिबिलिटी बहुत कम थी, और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी, बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया उसको। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर था साथ में वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया, और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले, उसके अलावा एक पिस्टल जिस पे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, 0.30 बोर की पिस्टल है, ये भी हमें प्राप्त हुई। और सर्च के दौरान उनके पास कुछ पाक करेंसी मिली और ये चीज़ें हमने उनसे रिकवर की कल। उसके बाद इसी टाइम में यहाँ से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी BOP के इलाके में, राजाताल के इलाके में ही एक और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ कि हमने एक स्मगलिंग के अटैम्प्ट को फाइल किया। जो संतरी ड्यूटी पे था उसको आवाज़ आई कुछ फेंसिंग के ऊपर से फेंके जाने की, और वो अलर्ट था, उसने इमीडिएटली चैलेंज किया, तो जो पाकिस्तान फेंसिंग के पार जो आदमी था वो भागा, तो इस लड़के ने फायर किया, लेकिन कोहरे की वजह से वो फायर तो उसको हिट नहीं हुआ, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट थी उसकी जिसमें कि 3 पैकेट हीरोइन के थे लगभग 3 किलो के, वो वहाँ पर वो छोड़ के चले गए और वो हमें प्राप्त हुए। तीसरा ऑपरेशन जो है वो भी स्मगलिंग के अटैम्प्ट को फाइल किया गया है, वो दूसरी बड़ली के इलाके में BOP रामकोट के इलाके में था। यहाँ पर अगेन उस पार्टी ने पाकिस्तान साइड से हमारी तरफ थ्रो करने की कोशिश की सामान को, अगेन आवाज़ आने पे जो संतरी था वो अलर्ट था, उसने चैलेंज किया, और लेकिन वो सामान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गए। ये टोटल 3 अटैम्प्ट हमारे कल ऑपरेशन में हुए हैं, तो आप जो हमने सीज किया है वो हमने आपको बाहर उसको दिखा दिया है। सर, जो आपने कहा सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, क्या उन्होंने कोशिश की हमारे जवानों के ऊपर गोली चलाने की? उन्होंने राइफल कॉक किया है, और अगर 1 सेकंड रिफ्लेक्सेस लेट होते तो शायद कहानी कुछ और होती। सर, आइडेंटिफिकेशन क्या हुई इनकी? पाकिस्तान की तरफ से वो क्रॉलिंग करके आए हैं, दे आर पाकिस्तानीज। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चालू है। कोई आईडी प्रूफ मिले उनके पास? नहीं, आईडी प्रूफ अभी इनके पास है। रेंजर्स को सर संपर्क आपने किया? यस, तो हमारा एक जो एक ड्रिल है हमारी, उसके हिसाब से हमने रेंजर्स के साथ में संपर्क कर रहे हैं। एक तो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कि आपकी तरफ से ये मूवमेंट जो हुई है उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, और उसके बाद उनको उनकी फ़ोटो दिखाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी उनसे। सी, इट्स ए बैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम हैं अभी, तो लोकल पुलिस बाकी इंटेलिजेंसी जो है सब मिलके हम लोग
कुछ समय बाद बता पाएंगे आपको कि इनका इरादा क्या था, ये कौन थे, लेकिन दोनों आर्म्ड इंट्रूडर थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके फेंसिंग के पास आए हुए हैं, तो ये एक अब इसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं, तो अभी कह पाना मुश्किल है। रिकवरी मैंने पहले बताया आपको कि एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन 61 राउंड्स, एक मैगनम राइफल जो कि 0.223 बोर की है, जिसके साथ में वो भी ऑटोमेटिक राइफल है, उसके साथ में एक मैगजीन और 29 लाइव राउंड्स, और बाद में उनके पोजेशन में एक पिस्टल और मिला जो कि ओलंपिया करके लिखा हुआ है उस पर, 0.30 बोर का है, और उसमें दो मैगजीन है। सर, ये फॉग की वजह से हर बार ये कोशिशें होती हैं, तो क्या आपके पास इसके लिए यू आर वेल इक्विप्ड, आर यू हैव एंटी फॉग डिवाइसेस या कोई ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये इनका ट्रेस हो जाते हैं, या क्या है? देखिए, फॉग जो है ये विजिबिलिटी को कम करता है, बट हमारे लड़के हमारे जो संतरी ड्यूटी पे हैं, नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं उसको कि कैसे डिस्पाइट फॉग डिस्पाइट कोल्ड नाइट हमारी ड्यूटी में कोई फर्क नहीं आता। सर, ये तीनों हादसे जो तीन जगह अटेम्प्ट हुई है, ये इंटरकनेक्टेड है, आपको क्या लगता है कि जानबूझ जाने की कोशिश, और सेकंडली सवाल ये कि ये क्रॉस करना चाहते थे, ये कि जहां जंग से कुछ फेंकना चाहते थे, जहां पे जो इंट्रोड्यूटर? आपका क्वेश्चन जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बहुत जल्द हम इसको कोशिश करेंगे पता करने की क्या इनका इंटेंशन था, मोटिव क्या था। सर, जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या रिकवरी हुई? उसमें 2 kg हीरोइन रिकवरी हुई। फर्स्ट वाले में 3 kg, 3 kg, और सेकंड वाले में 2 kg। सर, जैसे जो थर्ड वन था, नहीं, उसमें जो आर्म्ड इंट्रूडर थे उसमें हथियार ही मिले हैं अपने को, उसमें ड्रग्स नहीं मिली। सर, ये जो एक ही रात में 3 इंसिडेंट हुए हैं अलग अलग, क्या आपको लगता है कि स्मगलर और जो इंट्रूडर्स हैं इन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बदली है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी हम कुछ हमें लीड्स मिले हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल यू नो सिक्योरिटी, तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, विल लेट यू नो। 2-3 हफ्तों में, जब पिछले 2-3 महीनों की बात करें, जैसे 2 दिन पहले ड्रोन के जरिए पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्होंने स्मगलिंग का एक जो मॉड्यूल है बस्ट किया है, ड्रोन के जरिए हथियार वेपन्स भी आए पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने दावा किया था, तो ड्रोन को रोकने के लिए क्या ड्रोन के आपके द्वारा भी फायरिंग की जाती है, या ड्रोन मेरी समीक्षा आपसे यह है कि ये जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी है इसी टॉपिक रखी है, तो ये आप हमारे आई थिंक वी कीप इट आउट ऑफ दिस। सर, पॉकेट एरिया में जैसे टैप बढ़ जाती है तो कोई खास तैयारी की गई है? BSF 24/7 365 डेज हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं, और आई थिंक हमें मौसम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर, इनका एज ग्रुप क्या रहा होगा जो दोनों मरे हैं? आई थिंक ये 30s के अंदर लोग हैं, 30s के अंदर होने चाहिए। सर, फ्लैग मीटिंग आप, मैं इनके फोटोग्राफ्स जो है आपको वो मैं प्रेजेंटेशन में है वह शेयर कर दूंगा आप सर में, तो आप कहीं देख लीजिए उनको। सर, ये कहां से कुछ फ्लैग मीटिंग हुई? नहीं, अभी जस्ट मैटर ऑफ सर, इन दिनों में मूवमेंट्स जो है पाकिस्तान की ओर से कितनी बढ़ी है, क्योंकि पंजाब में अगर पूरे दिल्ली में देखा एजिटेशन बहुत भारी तादाद में हो रहे हैं और लाखों किसान फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, होने जा रही है, और उसमें हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे उनके हाथ में, अभी कुछ ही समय में वो प्रोटेस्ट लॉन्च हो जाएगा वहाँ पर। नाउ इफ यू कुड टर्न टू दैट साइड, वी शो द पिक्चर्स ऑफ पिक्चर्स टू यू। अमृतसर तो जतिंदर पाल सिंह कलेर की खास रिपोर्ट। सर, आप थोड़ा सा अभी कर रहे हैं, आगे नहीं। अरे हैं क्या यार, की गंदा में आगे चले गए, हां कैमरे के आगे आ रहे हैं। सर, बैठ सर, आगे।